मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं बगैर विलंब किए हुए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देश के ओज के प्रख्यात कवि, लब्ध प्रतिष्ठ कवि आदरणीय श्री कृष्ण मित्र जी के सम्मान के लिए और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए, बुके द्वारा सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री अनिल पंडित, बार अध्यक्ष, हमारे श्रीमती अंजू जैन, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद गाजियाबाद, तुलिका सेठ जी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद गाजियाबाद, आदरणीय मित्र जी को शॉल, स्मृति चिन्ह और बुके भेंट करके सम्मानित करें। महोदय श्री गिरजेश कुमार पांडे जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ बार अध्यक्ष श्री अनिल पंडित जी। मैं आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पर आएं। श्री अनिल पंडित जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव महोदय श्री विश्वास त्यागी जी, मीरा शलप जी अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अशोक कुमार, श्री अशोक श्रीवास्तव साहब संरक्षक अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अंजू जैन जी, डॉक्टर पी कुमार संरक्षक अखिल भारतीय साहित्य परिषद, आप सभी मंच पर आए, और जनपद न्यायाधीश महोदय का सम्मान करें। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र देव मिर्जापुरी साहब के, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत के, उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बार अध्यक्ष श्री अनिल पंडित जी, हमारे सचिव श्री विश्वास त्यागी जी, महेश आहूजा जी जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, श्री आलोक यादव जी संरक्षक अखिल भारतीय साहित्य परिषद, और श्री चेतन आनंद जी सचिव अखिल भारतीय, जो इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका में हैं, श्री चेतन आनंद जी। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप श्री मिर्ज़ापुरी जी का सम्मान करें। खास सम्मान हमारी गुरु माता श्रीमती संतोष कुंवर जी का सम्मान होना है, और मैं समझता हूँ कि हमें गुरु माता के पास जाकर उन्हें सम्मानित करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा श्रीमती डॉक्टर राखी अग्रवाल साहिबा से, जो कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद की, श्रीमती रोमी माथुर जी सहसचिव, और श्रीमती वंदना कुंवर जी जो उनकी सुपुत्री हैं, और श्रीमती प्रीति गोयल, श्रीमती संगीता आनंद,
इस कार्यक्रम के जो रूहे रवा हैं, मैं समझता हूं जिनके तुफैल से, जिनके वसीले से हमें यह सभागार उपलब्ध हुआ, हमारे अध्यक्ष आदरणीय अनिल पंडित जी, उनके सम्मान के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं श्रीमती नेहा वैद्य जी से, नीरजा चतुर्वेदी जी से, सुश्री नीरजा चतुर्वेदी जी, श्री सुधीर माथुर साहब से, जो सदस्य हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, वो कृपा करके आएँ और आदरणीय अनिल पंडित जी को शॉल व फूलमाला देकर सम्मानित करें। मैं श्री नरेश चौधरी जी को देख रहा हूँ, कृपया भाई साहब आप आ जाएं, आप आ जाइए, शर्मा जी आप आ जाइए और सिसोदिया जी आप आ जाइए। अरे गोविंद गुलशन साहब बैठे हुए हैं, अरे मेरी तो नज़र, गोविंद गुलशन साहब आप भी आएं। हमारे शहर के अजीम तरीन शायर गोविंद गुलशन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। अब हम सम्मानित कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने और उसमें सहभागिता करने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाले हमारे भाई, मेरा छोटा भाई और बार एसोसिएशन गाजियाबाद का सचिव विश्वास त्यागी, मैं श्री राकेश सेठ, श्वेता पाठक, गिरीश सारस्वत, मयंक राजेश और जो सदस्य हैं हमारे अखिल भारतीय साहित्य प्रदेश, उन सबसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे सचिव महोदय को सम्मानित करें। प्रदीप त्यागी जी बैठे हुए हैं, भाई साहब आप भी आ जाओ, आपका छोटा भाई है, इसका इसको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, मैं कहूँगा कि राशि जो प्रयास किया गया है, जो डॉक्टर कुंवर बेचैन के कद से बहुत छोटी है, हम उनके चरणों में रख रहे हैं। मैं इस सम्मान को देने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री अनिल पंडित जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मीरा शलभ जी, सचिव हमारे बार एसोसिएशन के विश्वास त्यागी जी और मुख्य अतिथि हमारे डीजे साहब श्री पांडे जी और आदरणीय मित्र जी कृष्ण मित्र जी, साथी में चेतन आनंद जी और मिर्ज़ापुरी साहब। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का सम्मान करें। आप सभी इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं, ये एक बहुत बहुत ही यादगार लम्हा बार एसोसिएशन के इतिहास में आज दर्ज हो गया है, महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का सम्मान। मैं आदरणीय नरेश चौधरी साहब से और भाई साहब हमारे गोविंद गुलशन साहब हैं, आप भी आए भाई साहब और सम्मानित करें, आप भी ये शरफ हासिल करें, आप पर भी डॉक्टर कुंवर बेचैन का वरद हस्त रहा है, महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का सानिध्य आपको भी प्राप्त रहा है। अनिमेश शर्मा जी हमारे बड़े भाई, आप भी आएं, प्रदीप त्यागी जी, सुहासिनी अल्पना सुहासिनी जी आप भी आएं, आप लोग सब मिलकर ये एक ऐसा लम्हा है जिसको आप, हमारे मृत्युंजय साधक जी चले आइए, कार्यकारिणी कहा गए सारे और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं कृपया चले आएं और महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का चरण वंदन करें, उनका आशीष प्राप्त करें। अच्छा, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब सागर अली साहब कहाँ हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं चाहता हूं कि वो कृपया करके यहां आए मंच पर और डॉक्टर कुंवर बेचैन को सम्मानित करें। शहदी साहब, एक अजीम तरीन शायर शहदी साहब,
अंजू सुमन जी, मैंने आपको आवाज दी थी, आप आए। डॉक्टर साहब की शोधार्थी नीतू जी भी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि वो भी आए। प्रदीप जी भी यहां बैठे हुए हैं, प्रदीप जी से भी गुजारिश है कि वो भी आए। तमाम जितने शोधार्थी यहां इस सभागार में उपस्थित हैं वो कृपा करके यहां पर आए और अपने गुरु जी के समक्ष उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। सीमा सिंह जी कृपया आए। हाँ आंटी को आराम से बैठा दीजिए। भैया एक थोड़ा फोटो अभी, पृथ्वी सिंह जी आ गए हैं। आप सभी आए और इस महानुष्ठान के में इस खूबसूरत पल के साक्षात्कार वो गवाह बने। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।